वेलकम टू माय चैनल इनकी नम्बर पाकपो रेसिपी पाती सेमिया प्रयाणी एव्लो टेस्टा इनकी वीडियो पाकपो इतमी मुझे चिकन मटन एना सेजा इन टेस्ट अधिकम ना इनकी चिकन मटन इलाम साधारण सिंपलान प्रयाणी स्टैल एप्डी से पाकपो वांग वीडियो को लेकर इनकी नम्बर कुटी कुटी सेमिया वे सेमिया प्रयाणी से पाकपो नम्बर फर्स्ट नान कपड़े नम्बर वो फर्स्ट फ्राई पड़ी एल पांगम नान नीट कुछ फ्रे पड़ी एल नहीं आयिल कूड़ा फ्रे पड़ी के नम फ पड़ेप कुछ ना वासम कुछ लाइट गोल्डन ब्राउन कलर वर वर की नम फ्राई पड़ी पांग ब्राउन आना लाइट ब्राउन वादा नम इन स्टव आफ पड़े पात्र ट्रांसफर पड़ी पांग पेन कुछ ना आयिल विटर अरे प्रयाणी और पट रे क्राबूक इतना सूडाई वंद इन ना और वंगयम नार्मल सैज वंगय कट पड़ी वजकल इत को ब्रउन आई वरटो वंगय वो ना गोलन ब्रउन कलर वदंगी इन रे तक कट पड़ी वजकल और मूणु पच मिग कुटा और मूणु पच मिग रेडा कीरी ना पटक ना वद नाला वदकिकला तकाली वंदु कुंज नाला वदंगन इंजी पूंड पेस्ट वासने के नम्मा आड़ पनिकला इटली दोसे बोर इटली दोसे सेंज़ बोर अड़ चेटकर इतमारी सेमिया वह विसम से ना वो वद इन नम्बर कुछ इंजी पूंड पेस्ट सेतकल इंजी पूंड पेस्टो पच वासन पड़े वद नम्बर मसाल पड़ी आड पड़ी के इंजी पूंड पेस्टो पच वासन पे इन मंज तूल आड पड़ी के वो मुकाल टेबल स्पून अल्व मंज तूल सेतक मिगाई तूल वो रे टेबल स्पून अल्व सेतक नान सिम वूल वो करगाम इन नम्बर तर सेक नम्बर वो एंत कपेमो अद कप ती ऊतिकल अलपोल ना वो इं कूतिया इन देवान अल्व उप सेक தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு சேமியாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இத வந்து ரெண்டுல இருந்து ஒரு 3 நிமிஷம் அப்படியே இத மூடி வைப்போம் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க தண்ணிலாம் வத்தி இதாயிருக்கு நான் இடையில இடையில திறந்து கிண்டி விட்டேன் சிம்ல வச்சிருங்க சூப்பரா வந்திருக்கு இன்னும் 2 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிட்டீங்கனா தண்ணிலாம் வந்து நல்லா வத்திரும் நல்ல சேமியாலாம் நல்லா பொல பொல நல்லா வெந்திருக்கு இதோ 2 நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் பாருங்க நம்மளோட சேமியா सूपर रेडी
தண்ணிலாம் வத்திருச்சு சூப்பரா இருக்கு இதை வந்து இப்படியே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த ஆவிலே ஒரு 2 3 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியா சூப்பரா வந்துரும் லாஸ்டா நான் வந்து கொத்தமல்லி இல மேலாப்புல கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முந்திரி பருப்பு நானே நெய்யில வறுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் இதல போட்டுக்கறேன் அவ்வளவுதான் நம்மளோட சேமியா பிரியாணி சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்கு கண்டிப்பா இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சாலியா கிச்சன் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க थैंक यू